धारा 370 का जहां तक सवाल है, धारा 370 संविधान का एक ऐसा नासूर था, मैं नासूर जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ऐसा नासूर था जिसने बहनों भाइयों हमारे ही जिगर के टुकड़े हो गए और इस दुनिया के स्वर्ग हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया के स्वर्ग कश्मीर को लहूलुहान इस धारा 370 ने कर दिया था। प्रारंभ से लेकर हम लोगों ने, क्योंकि हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने भारत को एक राजनीतिक विचारधारा ही नहीं दी है बल्कि भारत की राजनीति को एक दार्शनिक अवधारणा देने का काम किया है, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी हमारी राजनीतिक पार्टी। प्रारंभ से ही धारा 370 को लेकर हमने बराबर संघर्ष किया और कहा कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। सपने सभी लोग देखा करते हैं, लोग ये कहते हैं कि सपने तो लोग देखते हैं लेकिन सपने पूरे नहीं हो पाते, लेकिन हम कार्यकर्ताओं ने यह करके दिखा दिया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने यह करके दिखा दिया। बहन भाइयों, सपने तो हम भी देखते हैं लेकिन आंख बंद करके सपने नहीं देखते हैं, आंखों को खोल कर हम सपने देखते हैं कि हमारे सपने निश्चित रूप से पूरे हैं। 370 किसी को कल्पना नहीं थी, लेकिन मैं ये जानता हूं कि यह पीस या पीड़ा हमारे प्रधानमंत्री के दिल में पहले से थी, क्योंकि गृहमंत्री के रूप में 5 वर्षों तक इस देश में जिम्मेदारी हमने संभाली है और जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर समय समय पर बराबर उनके साथ हमारी चर्चा होती रही है। क्या क्या उस समय वो सोचा करते थे, क्या उस समय उन्होंने फैसला कर लिया था, इसके विस्तार में जाकर मुझे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं।